तो एडिटिंग हो चुकी है हमारी कंप्लीट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं एक अमेरिकन बुली पप देख रहा हूँ अपने लिए पॉकेट साइज का। अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो इंस्टाग्राम पे आईडी है और स्क्रीन पे आपकी, वहाँ पे मेरे को मैसेज करके मेरी अगर हेल्प कर सकते हैं बाय करने में तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट अ गुड पपी इन माई हाउस। चैनल, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं वीबीओ लाइफ। आज हम बैठे हुए हैं ऑडी Q5 2013 मॉडल, बाकी डिटेल्स आपको पूरी मिलेंगी, वीडियो को देखते रहिए। और हाँ भाई, अभी हम इसकी ड्राइव ले रहे हैं, बिकॉज आपको पता है अगर मैं कोई गाड़ी का बताता हूँ कि ये सेल के लिए आई हुई है तो पहले मैं उसको ड्राइव करता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ड्राइव का। और आज हमारे साथ बैठे हुए हैं गुरसेवक जी। हेलो, कैसे हो? सनरूफ के मजे ले रहे हो? है किसी के मजे ले रहे हो? ओके, गर्मी बहुत है, एसी की मजे ले रहे हो। यहाँ पे हमारे एक भाई बैठे हुए पीछे, भाई नाम क्या है? सुनील जी। तो ये हमारे साथ आए हुए हैं क्योंकि हमने भैया को बोला, भैया हम जाएंगे प्रॉपर टेस्ट ड्राइव लेंगे और थोड़ा सा एक्सपीरियंस और डिटेल्स आपको देंगे। तो चलो, तो गाड़ी के अंदर आते ही सबसे पहले आप देखते हैं स्टेयरिंग को। तो स्टेयरिंग के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको सारे माउंट्स दिए हैं, यहाँ से आप मोड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप आवाज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ म्यूजिक सिस्टम, जो कि आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो और कुछ यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और यहाँ पे सारा दिया हुआ है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छे थे। आप डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट साइड वालों के लिए एक तरफ का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, राइट साइड वालों के लिए राइट साइड का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो गियर नॉब दिया हुआ है, जिससे कि आप इस टाइम पे ड्राइव या स्पोर्ट्स में चला सकते हैं। यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है, इसको हम चाहें तो पैडल शिफ्टर पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हो गया पैडल शिफ्टर पे कन्वर्ट। अब हमने इसका रेस दिया, अब हम बदलेंगे। तो ये होता है पैडल शिफ्टर, जो कि हम कर सकते हैं। अभी हम इसको ड्राइव पे वापस ले आते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी है। और अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं भाई साहब ड्राइविंग का एक्सपीरियंस। पहले तो सेवक यहाँ बैठा हो, भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। कितना क्या, अभी तो रोड खाली हो रहा, तो पता चलेगा। आए, तो अभी हम चल रहे हैं, तो अभी इसको हम लेके जा रहे हैं रेडिसन ब्लू, बिकॉज वहां पे थोड़ी लोकेशन अच्छी है, सनरूफ भी अच्छा है इसका, क्योंकि हमारे को मिला हुआ है। और इसको पैनोरामिक सनरूफ कहते हैं, जिसमें कि लंबा होता है काफ़ी और हाफ खुल जाता है। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि भैया आप यहाँ पे गलत हो, आई एम नॉट अ परफेक्ट गाय। गाड़ी कितनी चल चुकी है, क्या डिटेल्स हैं, जो भी होंगी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो अभी ड्राइव का थोड़ा मज़ा लेते हैं। तो ये खड़ी हमारे सामने गाड़ी ऑडी Q5। तो मैं आपको फ्रंट से पहले दिखाना चाहूँगा गाड़ी की जो लुक आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। ये देख सकते हैं हरियाणा नंबर गाड़ी है और कंडीशन एकदम मिंट है, बिल्कुल ओके प्रॉपर, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं पे भी छोटा मोटा आपको स्क्रैच नज़र नहीं आएगा, अलॉयस के साथ गाड़ी है। तो पीछे से कुछ गाड़ी की इस तरीके से लुक आ रही है, एक बार आपको बूट स्पेस दिखा देते हैं। ओ माय गॉड, तो Q5 के अंदर ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो ये कुछ आपको बूट स्पेस मिल रहा है, और अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से आप ऐसे करेंगे तो वो सीट आगे चलेगी, ऐसे करेंगे तो ये सीट आगे चलेगी, और ये ट्रे को आप हटा देंगे तो ये भी कंप्लीट आपका बूट स्पेस हो जाएगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो अब इसको हम करते हैं बंद, तो ये होगी बंद। अब चलते हैं हम आपको फ्रंट रो की जो साइड वाली सीट है वहाँ से बैठ के दिखाते हैं। तो डोर पे कुछ इस तरीके से यहाँ से आप विंडोज़ को ऑपरेट कर सकते हैं, डोर यहाँ से खुलेगा। इंटीरियर ब्लैक, और यहाँ पे जो अपना वुडन टेक्सचर आ रहा है हल्का सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इंटीरियर बहुत साफ़ सुथरा है गाड़ी का, गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बात करते हैं फ्रंट रो के बारे में, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ से आप विंडोज़ ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर के ORBM कर सकते हैं ऑपरेट, और यहाँ से डोर को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अंदर चलते हैं, हवा आ रही है। तो ये आगे हमारा स्टेयरिंग, यहाँ पे डिस्प्ले मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। और यहाँ पे आर्मरेस्ट का आपको स्पेस मिल रहा है, चाबी ही जो है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, और आपने ऐसे यहाँ पे करनी है प्लग। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से सनरूफ को आप जो कि ऑपरेट कर सकते हैं। हम करेंगे थोड़ा और पीछे, थोड़ा और पीछे, और पूरा पीछे। तो सनरूफ जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है इसके अंदर, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, बिकॉज यार फॉर्च्यूनर तक गाड़ियों में ऐसा सनरूफ नहीं मिलता, इस गाड़ी में वो सनरूफ मिल रहा है, तो ये बेस्ट पार्ट है और मेरे को यही अच्छा लग रहा है। अब बंद करते हैं, और बंद और ओपन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, बहुत ही अच्छा लगता है। वाह,
तो इसे कहते हैं लग्जरी फील आती है ऑडी ले रहे हो, और अगर आपको इतना बढ़िया सनरूफ ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा ऑडी लेने का। तो अब बात करते हैं हम गाड़ी की थोड़ी डिटेल्स के बारे में, जो कि डिटेल्स आ रही हैं। सबसे पहली, गाड़ी का जो मॉडल है वो है 2013, हरियाणा नंबर है जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, और गाड़ी फुली इंश्योर्ड है अभी, और जो इसकी डिमांड कर रहे हैं वो है 15,40,000 15,40,000, और प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है। अगर आप आएंगे और मेरा नाम लेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप यहाँ से कोई भी गाड़ी लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने यहाँ से गाड़ी ली। डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और अभी चलते हैं इनके वापस शोरूम पे। जो जो गाड़ियाँ खड़ी हैं मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ, प्राइस बता देता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कौन सी गाड़ी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखनी है। तो एक बार गाड़ी को अगर हम ऑफ रोडिंग पे भी चला रहे हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल है यार, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है इसका क्योंकि ऑडी है भाई। तो ये चीज़ें बताने की लोड नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं है कि हाँ भैया क्या चीज़ कैसा है। ड्राइविंग लाइक मतलब ऑन रोड अगर हम चला रहे हैं तो गाड़ी बिल्कुल नहीं पता लग रहा कि नई है या पुरानी है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो गाड़ी जो यहाँ पे चल चुकी है 64,462 किलोमीटर चल चुकी है, और बाहर का टेम्परेचर भी बता रही है कि इस टाइम पे भैया वहाँ पे और D1 में गाड़ी चल रही है। सो ड्राइव यहाँ पे हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और मज़ा आ गया चला के, जेन्युइनली बता रहा हूँ। जो ऊपर सनरूफ है वो लुक पूरी चेंज कर देता है, और जो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, आने वाली वीडियो किस गाड़ी के ऊपर बनाएं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे खड़ी है अपने पास एक वॉल्वो, तो आप बता दीजिएगा इस पे चाहिए, नहीं तो फॉर्च्यूनर खड़ी है यहाँ पे हमारे पास, यूपी नंबर, यहाँ पे खड़ी है TUV, यहाँ पे खड़ी है ये कौन सी है सैंटाफे। भाई साहब ये गाड़ी बड़ी रेयर दिखती है मेरे को, और यहाँ पे खड़ी है अपने पास एक, ओहो ये तो डस्टर की बहन है, क्या नाम है इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कमेंट करके इस गाड़ी को क्या कहते हैं। तो अब चलते हैं वो वाली गाड़ी खोल के दिखाते हैं एक बार। तो गाड़ी के अलॉय देख के यार बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे अलॉयज हैं, और एक बार गाड़ी अंदर से दिखाता हूँ। वाओ ऑटोमेटिक गाड़ी, तो मेरे को कमेंट करके बताओ अगला ब्लॉग इस पर बनाएं, बिकॉज अब मैं जानबूझकर कुछ ऐसी गाड़ी देख रहा हूँ शायद मैं भी चेंज करना चाहूँ, बट अभी नहीं, जब मूड बन गया हम चेंज कर लेंगे, बिकॉज आइडिया चल रहा है दिमाग में। और फॉर्च्यूनर कमेंट बताओ इस पे या इस पे करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। कार अफेयर्स विकासपुरी पिलर नंबर 5 के पास पड़ता है, पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद फ़ोन नंबर, आप कभी भी कॉल कीजिए, डिटेल जो लेनी है लीजिए और डील क्रैक कीजिए, रेट आपको बेस्ट देंगे। रोहित भैया हैं अंदर, उनसे अभी हम मिलवा नहीं रहे, नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलवाएंगे, भाई साहब अभी हैं नहीं। और एक और बड़ी ख़तरनाक गाड़ी लेके आने वाले हैं इन्हीं के साथ हम, वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी, गेस करो, तब तक ऑडी की है ना, वो भी ऑडी की गाड़ी है, आप गेस करो, कन्वर्टेबल है, कन्वर्टेबल नहीं है, 2-सीटर है, अब आप गेस कर सकते हो कौन सी गाड़ी होगी, वो जल्दी आएगी। तो तब तक सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बाय बाय, पीस, बाय बाय। पार्ट करके मिलता है, कैसे मिलता है पीस जैसे मर्जी लो, पार्ट करके लो, जाओ मंदिर जाओ, अच्छे काम करो। और आज के थंबनेल में हमने सेवक की फ़ोटो लगाई थी क्योंकि हमारे को मॉडल मिल रहा था, मैं तैयार नहीं था थोड़ा, तो मैंने कहा भाई अपना नया मॉडल आया अपने साथ, ज़्यादा बेइज्जती भी नहीं करनी चाहिए, कभी इज्जत भी देनी चाहिए मॉडल को, हमने इसलिए गाड़ी के आगे टिका दिया था। ओके बाय।